हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपका दोस्त सुमेन घोष आज फिर वृंदावन में आ गया और आज हमारे साथ आए हैं हमारे टीम वाले। फिर अभी इस हफ्ते हम लोग पाँचवीं बार आ रहे हैं वृंदावन, यानी 10 दिन में हम लोग पाँचवीं बार वृंदावन आ रहे हैं। और मेरे साथ मेरे टीम के मेम्बर्स आए हुए हैं और आज हम लोग ये देख सकते हैं, आप जो वाइट कलर की दिख रही है वो लोटस टेम्पल है। ये हमारे फ्रेंड मोनू भाई पेच लड़ाएंगे। पेच बहुत दूर गया है, पेच तो दिखाना मुश्किल है। और मैं आपको ग्राउंड दिखा देता हूँ, ये ग्राउंड है और ये वैष्णो माता मंदिर, वृंदावन का बहुत माना हुआ मंदिर। और 10 दिन में हम लोग आज पांचवी बार वृंदावन आ रहे हैं 10 दिन में, यानी एवरी एक डे छोड़ करके हम लोग आए हैं। पहले तो हमारी जो टूर्नामेंट में टीम डली हुई थी उसकी वजह से आना पड़ा, लगातार हम लोग 3 दिन आए। उसके बाद 2 दिन हम लोगों ने यहाँ पे क्लब काइट फाइटिंग करी, मथुरा की टीम के अगेंस्ट में हमारी फाइटिंग हो रही है। टीम उधर बैठी हुई है, आप देख सकते हैं ये पतंगे उड़ करके जा रही है। ये जो रेड शर्ट पे जिनका पीठ दिख रहा है ये भरत कपूर जी, ये वृंदावन के ही बासिंदे हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं। ये आ जाते हैं जब भी इनको पता चलता है कि क्लब काइट फाइटिंग के लिए हम लोग वृंदावन आ रहे हैं, तो ये भी आ जाते हैं। और बगल में बैठे सनी सरदार जी, बहुत बढ़िया। और उसके बगल में बैठे हैं रिंकू भाई, अभी हमारा एक मेंबर अभी और भी आने वाला, उनकी गाड़ी जो है रोड पे ही है कहीं, अभी वो पहुँचने वाली है। इन्होंने अभी एक पेच काटा, बहुत बढ़िया लड़ाते हैं ये लोग, दूर के पेच में बहुत फर्स्ट क्लास लड़ाते हैं। ये बीच में सनी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अभी टूर्नामेंट के अंदर काइट फाइटिंग करी, लखनऊ की एक टीम को हिला के रख दिया इन्होंने। ये बगल में है भरत कपूर जी रेड शर्ट में, इधर बगल में रिंकू भाई हैं। रिंकू भाई हेलो तो बोल दो, थोड़ा सा टाटा बाय बाय कर दो। सनी भाई अब भी कर दो तो पता चले। और भरत कपूर साहब बैठे हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आध पेच की वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा, पता नहीं बन पाता है कि नहीं। बहुत दूर पेच लड़ाते हैं यहाँ पे लोग मथुरा वाले, जो वृंदावन में हमारी टीम लड़ रही है। तो हम लोग वृंदावन आए हैं वैष्णो माता मंदिर वाले ग्राउंड में और इधर कमल मंदिर है। पेच बहुत दूर लड़ रहा है, 1000 मीटर से लेकर के 1200 मीटर के बीच में पेच लड़ रहा है। इतना दूर गया हुआ है पेच कि पेच का दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बाउंड्री वॉल जो है, ये वैष्णो माता मंदिर का पूरा ये कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है। और ये मंदिर, ये माँ वैष्णो की यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ति, बहुत खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है। और टीम वाले वहाँ पे उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। वृंदावन की इस पावन भूमि पे आकर के मेरे को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ की काइट फाइटिंग भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल एकदम शांत काइट फाइटिंग है। और जो क्लब काइट फाइटर्स होते हैं वो ऐसे ही वीरानी जगह को ढूंढते हैं, शहर से दूर 15-20-25-30-50 किलोमीटर दूर शहर से चले जाते हैं, जहाँ पे उनको कोई तंग ना करे, उनको कोई सताने वाला ना मिले। दरअसल बात ये नहीं है, बात ये होती है कि किसी को डोर ना लगे पतंग मांझे की, सड़क पे चलने वाले लोगों को डोर ना लगे। इस वजह से क्लब काइट फाइटिंग जो है दूर दराज एरिया में, गांव में, खेतों में करी जाती है, ताकि वहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल से जो लोग आते जाते हैं उनको डोर ना लगे। और गांव खेतों में तो डोर लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, शहर के अंदर ही होते हैं ये सब, इसीलिए लोग शहर से दूर जाते हैं। ये एक नियम भी है, क्लब काइट फाइटिंग का एक नियम भी है कि आप नदी के किनारे या खेतों में जा करके या गाँव में दूर जा करके आप क्लब काइट फाइटिंग करें, ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, लोगों को वहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो। जो क्लब काइट फाइटर्स के एसोसिएशन के जो जिस समय एसोसिएशन बनी 1950-54 के बीच में, तो उस समय जो लोग थे बहुत विद्वान लोग थे जिन्होंने इन एसोसिएशन को बनाया, उन्होंने ये सारा नियम तय किया कि आप शहर से दूर जाएं
और जहाँ पे खुले मैदान हो, बहुत बड़े बड़े मैदान हो, सिर्फ आप वहीं पे जा करके पतंग उड़ाया करिए। और नदी का किनारा ढूंढिए, नदी के किनारे में भी अगर आप पतंग उड़ाएंगे तो पतंगे कट करके नदी में गिरेंगी, तो राह चलते हुए लोगों के ऊपर नहीं गिरेगा। ऐसी आप जगह ढूंढिए जहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल वाले को ज़रा भी तकलीफ ना हो। और ऐसे इंडियन 123 मांझा जो होता है वो इतना नुकसानदायक नहीं होता है, वो इतना क्या मैं बता सकता हूँ कि 99% वो नुकसानदायक नहीं होता है। जो नुकसानदायक होता है वो C28 और जिसको पांडा मांझा कहते हैं, या गैंडा मांझा जो 12 कॉर्ड का होता है, जो 9 कॉर्ड का मांझा होता है, वो मांझा जो है नुकसानदायी होता है। और आपका जो चाइनीज़ मांझा होता है वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। 2006 से पहले हिंदुस्तान के अंदर जो है चाइनीज़ मांझा नहीं था, चाइनीज़ मांझा जो आया है 2006 में ही आया है, और उसके बाद से ही जो है चारों तरफ लोगों को नुकसान ही नुकसान होने लगा। और इसी की वजह से जो क्लब काइट फाइटिंग और इंडियन काइट फाइटिंग जो फेस्टिवल्स में की जाती है वो सब बदनाम होने लग गया। इसीलिए चाइनीज़ मांझे को कभी भी हिंदुस्तान में नहीं आने देना चाहिए था। अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम सोमेन घोष है, और अभी हो सकता है मैं थोड़ी देर में आपको काइट फाइटिंग के कुछ आपको मैं व्यूज़ दिखाऊँ शाम को। अभी तो बहुत दूर पेच लड़ रहा है, तो अभी तो इसका वीडियो बनाना मुश्किल है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।